हेलो भाई, आई एम अनमोल श्रीवास्तव। एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। सामने देख रहे हो आप टियागो XT, द मोस्ट सेलिंग हॉट हैच ऑफ टाटा मोटर्स। ठीक है, टाटा मोटर्स की तरफ से ये सबसे ज़्यादा बिकने वाली ये नहीं है, खैर अब बिकेगी, क्योंकि ये जो है ऐसी गाड़ी है कि मतलब जो है आपको CNG में भी आती है, पेट्रोल में भी आती है, इलेक्ट्रिक में भी आती है, जिसमें चाहो उसमें लो, हर तरीके से आपको ये गाड़ी जो है आपको मिल जाएगी। आप जिस पर्पस से लेना चाह रहे हो, हर तरीके से, चाहे आप पेट्रोल लो वो भी मिल जाएगी, CNG लो वो भी मिल जाएगी, इलेक्ट्रिक लो शहर में चलने के लिए, इलेक्ट्रिक लो वो भी मिल जाएगी। तो हर चीज़ के लिए ये गाड़ी आपको मिल जाएगी। तो अब सबसे पहले हम साइड से बात करते हैं, तो साइड से देख सकते हो कुछ ऐसा डिज़ाइन है, सेम डिज़ाइन है, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, लेकिन नीचे आपको जो व्हील्स मिलते हैं ये आपको स्टाइल्ड व्हील्स मिलते हैं, ना कि एलॉय व्हील्स। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, लेकिन ये हैं आपके स्टाइल्ड व्हील्स। अगर हम सेक्शन की बात करते हैं इसकी, तो 175/65 R14 के आपको जो है इसमें स्टाइल्ड व्हील्स मिल जाते हैं, ठीक, जो कि देखने में अच्छे लगते हैं। XT मॉडल से ही आपको ये प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, ठीक। अब अगर हम फ्रंट से आते हैं, तो फ्रंट से देख सकते हो, एक बार हम दिखा दें आपको फ्रंट से, तो फ्रंट से देख सकते हो इसमें कुछ चीज़ें नहीं है। देख सकते हो क्या नहीं है, यह हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो नीचे आपको फॉग लैंप नहीं है, ठीक, फॉग लैंप नहीं आता है, DRLs नहीं आते हैं, तो इससे भी पता चलता है कि ये जो है XT वेरियंट है, ठीक, DRLs नहीं है, फॉग लैंप्स नहीं। लाइट देख रहे हो, सिंगल चैम्बर हेलोजन हेडलैम्प, ठीक, यहाँ पर आता है अल्ट्रोज जैसी ही डिज़ाइन है, जैसी अल्ट्रोज की डिज़ाइन है, या आप कह लो अल्ट्रोज इससे इंस्पायर्ड होकर बनाई गई है, ये तो अल्ट्रोज से इंस्पायर्ड होकर बनाई नहीं गई, ठीक, तो ये अल्ट्रोज जो है इससे इंस्पायर्ड करके बनाई गई थी। तो उस हिसाब से उसमें डुअल चैम्बर हेलोजन हेडलैम्प आता है, इसमें सिंगल चैम्बर हेलोजन हेडलैम्प आता है, बीच में टाटा का लोगो मिल जाता है, ट्राई एरो ग्रिल मिल जाती है पियानो ब्लैक फिनिश में, नीचे आपको क्रोम मिलता है जो कि लेफ्ट साइड से चालू होता है, राइट साइड तक जाता है, ठीक, तो ये चीज़ है। और अगर हम यहाँ पे आते हैं इसकी चाबी की, देख लो, थोड़ा हम बात कर लेते हैं अब इसकी चाबी की, तो चाबी देख सकते हो कुछ ऐसे मिल जाती है, लॉक अनलॉक और लाइट का ऑप्शन, एक चाबी ये है, दूसरी चाबी आपको मिलती है नॉर्मल की, दूसरी आपको नॉर्मल की मिलती है, ठीक। तो अब अगर हम इसको लॉक करते हैं तो मिरर फोल्ड नहीं होते, ठीक, मतलब यहाँ पे आपको ऑटो फोल्डेबल ORVMs नहीं मिलते हैं। देख लो, चाबी हम लॉक भी करते हैं, देखो लॉक किया कोई फ़र्क नहीं, अनलॉक किया तो भी कोई फ़र्क नहीं, मतलब सेम है, ठीक। यहाँ पे आपको इंडिकेटर मिल जाता है यहाँ पे, जो कि अच्छी चीज़ है, देखने में अच्छी लगती, और पियानो ब्लैक फिनिश में ORVMs मिल जाते हैं। सर्विस सेंटर पे हैं, ठीक है, तो जो है थोड़ा सा गंदी है गाड़ी, है ना, गाड़ी थोड़ी गंदी है, लेकिन मिल गई ये बहुत बड़ी बात है, ठीक, क्योंकि गाड़ियाँ मिल नहीं रही थी, तो इसलिए। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, जो कि लगभग आ जाती है आपकी 165-70 mm की, ठीक। तो ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब अगर हम पीछे बूट पे आते हैं, और ये CNG में ही है, जैसे मैंने आपको पहले बताया CNG भी आती है, पेट्रोल भी आती है, इलेक्ट्रिक भी आती है, ठीक। पीछे से देख सकते हो, पीछे से कुछ ऐसी लगती है, बढ़िया डिज़ाइन है, ठीक, अच्छा लगता है, मतलब छोटी गाड़ी के हिसाब से डिज़ाइन इसका अच्छा लगता है। यहाँ पे ICNG लिखा हुआ है, आई यहाँ पे ग्रीन है, ठीक, तो जो दिखाता है कि हाँ ग्रीन, मतलब एनवायरनमेंट फ्रेंडली है थोड़ी सी, क्योंकि CNG में आती है। वोकल फॉर लोकल की बैजिंग यहाँ मिल जाती है, CNG की बैजिंग यहाँ पे मिल जाती है, ठीक। बीच में टाटा का लोगो टियागो लिखा हुआ, यहाँ पे बूट खोलना है आपको, यहाँ चाबी लगानी पड़ेगी, बटन आपको इसमें नहीं आता है, और कोई कैमरा भी नहीं आता है, केवल आपको केवल यहाँ पे दो सेंसर्स दिए गए, एक दो, ठीक है, केवल दो सेंसर्स हैं रिवर्स करने के लिए, अगर आप रिवर्स करोगे तो सेंसर जलेंगे, कैमरा आपको इसमें नहीं मिलता है, ठीक, कैमरा आपको नहीं मिलता है। तो अब हम ज़रा इसका बूट खोल लेते हैं, यहाँ से खुलेगा ये ऐसे, तो ये इसका थोड़ा सा बूट है, थोड़ा ही सा बूट है, बहुत ही थोड़ा बूट है, ठीक है, मतलब बिल्कुल ख़त्म है समझ लो। यहाँ पे पार्सल ट्रे मिल जाती है, ऊपर थोड़ा बहुत आपको एक आध बैग एक रखने हो तो वो आप रख सकते हो, उसके अलावा और कोई ऑप्शन, ज़्यादा स्पेस मिलता नहीं है। हाँ, नीचे खोस के रख सकते हो, कुछ भी रखना खोस दो,
ठीक। बाकी यहाँ पे आपको सीएनजी का सिलेंडर मिल जाता है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। स्पेयर व्हील की बात करें तो स्पेयर व्हील भी आपको 155/80R13 का आपको इसमें स्पेयर व्हील मिलता है। तो ये भी इसमें भी एक साइज़ कम ही कर दिया, मतलब और कम कर दिया, बेइज्जती कर दी। ठीक, यहाँ पे आपको मिल जाता है ग्रैब हैंडल, इसको पकड़ के आप खींचोगे तो ये जो है यहाँ पे बंद कर सकते हो। अच्छा खासा हैवी है, ठीक है। और अगर हम ग्लोबल इनकैप रेटिंग की बात करें, 4-स्टार ग्लोबल इनकैप सेफ्टी रेटिंग आपको इसमें मिल जाती है। तो टाटा की गाड़ी है, सेफ्टी के मामले में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब हम चलते हैं अंदर, ठीक। तो अंदर हम चल के दिखा देते हैं। अभी लॉक है, ये हो गई अनलॉक। यहाँ पे देख सकते हो डुअल टोन इंटीरियर आता है, ठीक है। ये ग्रे कलर में है, ये पूरा ब्लैक कलर में है, ठीक। और यहाँ पे पावर विंडोज आपको मिल जाती है। ORVM आप एडजस्ट कर सकते हो, फोल्ड नहीं कर सकते, क्या समझे? एडजस्ट कर सकते हो, फोल्ड नहीं कर सकते, मतलब ये मुड़ेंगे नहीं लेकिन एडजस्ट हो जाएंगे, ये चीज़ है, ठीक। हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिल जाती है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो अंदर देख सकते हो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, डिजिटल, फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है। इधर लाइट्स का मिल जाता है, यहाँ पे इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, ठीक। यहाँ पे इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, क्रूज कंट्रोल आता नहीं है, क्रूज कंट्रोल हटा ही दिया। अगर आपको गाड़ी स्टार्ट करनी है, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं आता है, वो टॉप मॉडल में आता है। यहाँ पे आपको यहाँ पे ऐसे चाबी लगानी पड़ेगी, चाबी लगाओगे तब जो है यहाँ पे स्टार्ट होगा ये सारी चीज़ें, ठीक। और बात करें यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाती है AC वेंट्स पे, ठीक। यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश है, इंटीरियर अच्छा लगता है। जो इसके ओरिजिनल कवर है ये देख सकते हो, ये इसके ओरिजिनल कवर है। अभी इसके ऊपर सीट कवर लगाए नहीं गए हैं, मतलब कोई एसेसरीज नहीं है, पूरी स्टॉक गाड़ी है। तो स्टॉक गाड़ी के हिसाब से देख सकते हो सीट्स इसकी अच्छी लग रही है, ठीक। अब इधर आ जाते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो ये कुछ ऐसा इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, ठीक है। इसमें टच स्क्रीन नहीं है, ठीक है, टच स्क्रीन नहीं आता है, लेकिन ये टच ही करने वाला है, लेकिन टच वैसे टच स्क्रीन नहीं आती है, ठीक। ये बाकी नीचे AC वेंट्स मिल जाते हैं, 5-स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स आता है, 1.2 लीटर 3-सिलेंडर रेवट्रॉन पेट्रोल इंजन CNG के साथ में, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। CNG के साथ में ये लगभग जो है आपको 73 BHP जनरेट करता है, और अगर हम पेट्रोल से बात करते हैं तो पेट्रोल से ये लगभग जो है आपको 83-84 BHP जनरेट करता है। तो मतलब CNG में मोस्ट पावरफुल हैचबैक है ये CNG में, ठीक। क्योंकि अभी तक मतलब जो भी CNG है तो वो बहुत ज़्यादा कम कर देती है, लेकिन इसकी जो CNG टेक्नोलॉजी है वो इतनी अच्छी है कि मतलब आपको पावर अच्छी मिलती है, ये वो पीछे देख सकते हो। और बाकी यहाँ पे स्पेस अच्छा है, कोई भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं आते, कोई भी आमरेस्ट नहीं आता, पीछे आगे भी नहीं आता, पीछे भी नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में हम्प है तो बीच में जो बैठेगा उसको हल्की सी दिक्कत होगी, लेकिन बाकी सही है, कोई टेंशन आपको नहीं है, ठीक। तो यही था इसका छोटा सा वॉकराउंड, ठीक। टाटा टियागो ICNG XT मॉडल 2023 का। तो उम्मीद है ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय, ड्राइव से।